और ये सारे जो बातें जाते हैं ये भी कल्पना है, कहीं ना कहीं से तो ये आया है। कुछ भी जो है वो कहाँ से आता है? कुछ भी जिसको आप बोलते हो कि है वो कहाँ से आता है? बोलिए, किसकी रचना है, कहाँ से है वो सब कुछ जिसको आप कहते हो कि है? पुराण का अर्थ होता है समय में पुराना, पुराना जो कुछ भी समय में है, वो पुराण है। जो कुछ भी समयातीत है वो उपनिषद है। पुराण का अर्थ है आदमी के मन की संरचना, पुराण का अर्थ है वो किस्से कहानियां जो तब भी चल रहे थे और अब भी चल रहे हैं, पर हैं किस्से ही कहानियां। तीन शब्द हैं, इनमें अंतर करना सीखिए, इतिहास, पुराण और उपनिषद ले लीजिए, तीनों प्रतीक हैं। एक ऐतिहासिक ग्रंथ होता है वो उस घटना के बारे में बताता है जो घटी और घट करके खत्म हो गई। फिर पुराण होते हैं वो कहानियां हैं, वो बातें हैं जो आपके मन की वृत्तियों को दर्शाती हैं कि आदमी बार 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 वही करा जा रहा है, वही चक्र हैं जो नए रूपों में बदली हुई सी स्थितियों में सामने आ रहे हैं, पर हैं बात वही, कुछ नया नहीं हो गया। पुराने किसी राजा की कहानी होगी कि उसे अपनी एक पत्नी से आसक्ति हो गई थी, और उसके 1500 पुत्र थे, फिर फलाने देवता ने आशीर्वाद दिया, ऐसे करके। क्या है उस कहानी के मूल में? आसक्ति, काम, भय, लोभ। वही कहानी तो आज भी दोहराई जा रही है ना, आज भी तो वही बात घर घर में है। तब उस कहानी का पात्र था राजा, पात्र बदल गए हैं, किरदार नए नाम लेके आए हैं, पर बात तो वही चल रही है, कुछ बदला तो नहीं। उसे अपनी रानी से मोह था, आपको अपनी पत्नी से, क्या बदल गया? कुछ बदला नहीं है। उपनिषद वो जो उसकी बात करे जो समय का भी आधार है, उसकी बात नहीं जो समय में लगातार चलता ही रहेगा। पुराण समय के तथ्य को सामने लाते हैं, समय का तथ्य अर्थात मन की वृत्ति। पुराण मन की वृत्ति को सामने लाते हैं, मन की कल्पनाओं को खोल के रख देते हैं, और उपनिषद वहां लेकर के जाते हैं जहां कल्पनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। यहां मात्र एक अकल्पनीय नग्न सत्य है। लेकिन उपनिषद भी तो किसी की ना किसी की रचना ही हुई होगी। जब एक
उपनिषद लिखा जाता है तो उसका कोई रचनाकार नहीं होता, कोई रचनाकार नहीं होता। उपनिषद वही जो रचनाकार के न होने पर सामने आए। यदि रचनाकार अभी है तो उपनिषद कैसा? अधिकांश ऋषियों ने अपने नाम तक लिखने जरूरी नहीं समझे। और इसमें बात कोई विनम्रता की नहीं है, बात तथ्य की है। उन्हें स्पष्ट पता था कि जो आया है वो हमारा नहीं है, तो अपना नाम लिखना ठीक ही नहीं है। उपनिषद तो है ही वही जो मेरे न रहने पर सामने आता है, तो मैं कैसे नाम लिख दूं अपना? आप जो बैठ करके किस्से और कविताएं लिखते हो और जो उपनिषद कहा गया, उनके कहे जाने की मूल प्रक्रिया में बहुत अंतर है। आप लिखते हो मन से और उपनिषद कहा जाता है मनातीत होकर अमन से। उपनिषद उठता है ध्यान से, हमारे किस्से कहानियां उठते हैं काम से, हमारी वासनाएं ही हमारी कविताएं बन के प्रकट हो जाती हैं। कविता में और ऋचा में यही अंतर है। आप उसको कीमत दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, कीमत ना दो तो भी फर्क नहीं पड़ता। गीता को यदि आप इसलिए कीमत देते हो क्योंकि वो एक सम्माननीय ग्रंथ माना जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा? आपको गीता क्या समझ में आ जाएगी? आप देते रहो गीता को इज्जत, सभी इज्जत देते हैं। गीता को आप इज्जत वास्तविक तभी तो दे पाओगे ना जब पहले वो समझ में आए कि बात क्या है। और समझ में तो तब आएगी जब आपके भीतर से भी गीता उठती हो। अब गीता में कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है कि जिसका आप जाकर के प्रयोग कर लोगे और कहोगे ठीक। कि दूध में चाय की पत्ती डालने पर रंग बदल जाता है, ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तो हम भी जाकर के जरा दूध में चाय की पत्ती डालें और देख लें कि रंग बदला क्या? बदला ठीक। तो ऐसा तो कोई प्रयोग संभव है नहीं। ईंट पत्थर और चाय और समोसे की तो बात हुई नहीं है गीता में। वहां तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसको आप हाथ में पकड़ सकें कि आंख से देख सकें। तो आप जानोगे कैसे कि गीता में कुछ सार है भी कि नहीं है? कैसे जानोगे? कोई तरीका ही नहीं है, बड़ी विकट हालत है। आप ऐसी चीज को सम्मान दे रहे हो जिसकी प्रामाणिकता को जान पाने का आपके पास कोई तरीका ही नहीं है।
तो आपने एक सस्ता तरीका जुटा लिया है, क्या कि हर कोई कहता है गीता बढ़िया है तो होगी, अन्यथा आप मुझे बताओ आपको कैसे पता कि कृष्ण ने जो कुछ कहा है उसमें लेश मात्र भी सत्य है, कैसे पता? हम में किसी को कुछ नहीं पता, बस इतना है कि एक रिवाज है, गीता हमारे लिए एक रिवाज है और इसीलिए हमारे किसी काम नहीं आती है, इसीलिए बंद पड़ी रहती है, इसीलिए दैनिक जीवन में उसका कोई स्थान नहीं है। गीता होइए तो गीता को जानिए, फिर समझ में आएगा। फिर आप ये नहीं पूछोगे कि कैसे पता कि ये किसी मनुष्य से कही गई है या ध्यान में कही गई है या प्रातिभ ज्ञान है या कौन रचनाकार है, आपको इन बातों से अंतर ही नहीं पड़ेगा। आप कहोगे फर्क क्या पड़ता है कि इतिहास में कोई कृष्ण हुए हैं कि नहीं हुए हैं, गीता है ना, जिसने भी गीता के बोल प्रकट किए सो कृष्ण, गीता है ना। अब मुझे जानना ही नहीं है कि कृष्ण कभी कोई मनुष्य हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ था तो कैसा था और किस शताब्दी में था। जहां से भी ये बोल उच्चारित हुए हैं सो कृष्ण, बस बात खत्म हो गई। मुझे करना क्या है? यही कारण है कि भारत में कभी इन सब ग्रंथों में कोई भूमिका ही नहीं लिखी गई, कभी लिखा ही नहीं गया कि इन्होंने इस वर्ष में ऐसे ऐसे करके ये बातें बोली। कहानियां हैं, आप में से किसी को पता है राम की शताब्दी में हुए, किस सन में जिए किस सन में मरे, या कृष्ण? भारत में इस तरह की कोई रिकॉर्ड कीपिंग की ही नहीं गई, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता। जो बात समय से बाहर की है उसके समय को नोट करके क्या मिल जाएगा? समय अतीत है, ये सब मनुष्य अतीत है, ये सब पर जो कि हम कुछ नहीं जानते, तो इसीलिए हमारे लिए गधा घोड़ा सब एक बराबर है। हमारी हालत ये है कि संस्कृत में कुछ भी लिखा हो हमारे लिए एक बराबर है। हम वो हैं जिनके लिए ईशावास से उपनिषद और मनुस्मृति एक बराबर है। जिनके लिए गरुड़ पुराण और अष्टावक्र गीता एक बराबर है। संस्कृत है भाई, कोई बड़ी बात ही होगी। और दोनों में ही कुछ आत्मा आत्मा करके लिखा हुआ है। वो पूरा जो पुराण है वो यही इसी बारे में है, गरुड़ पुराण, कि मरो तो आत्मा कहाँ निकलती है, कौन सी नदी को कैसे पार करती है, तो पीछे से क्या क्या दान देना चाहिए, कैसे कैसे भोज कराओ, ये करो वो करो, आत्मा की मुक्ति के लिए मनुष्य क्या कर सकता है, पूरा विवरण है। आत्मा की मुक्ति के लिए मनुष्य क्या क्या कर सकता है, वो भी अपनी नहीं पड़ोसी की। अष्टावक्र भी लगातार यही कह रहे हैं, आत्मा आत्मा। एक तो संस्कृत, ऊपर से आत्मा। अब हमारी हिम्मत कि हम कह दें कि इसमें कुछ ऊंचा और कुछ नीचा है? हम तो वो हैं जो 70 प्रकार के देवी देवताओं की एक साथ फोटो लगा देते हैं दीवार पे। पता नहीं कौन बुरा मान जाए। सबकी लगा दो, देखा है, और सबकी इकट्ठे आरती उतार दो। 36 करोड़। तो ये जो 50 प्रकार के देवताओं की आप दीवार पे इकट्ठे अगल बगल फोटो लगा देते हैं, ये बिल्कुल वही मान सकता है।
कि कुछ पता तो है नहीं कि सत्य कहाँ है। तो जो जो लोग सत्य का दावा करते हो उन सब की चरण स्पर्श कर लो, क्या पता कहाँ लेकिन सॉरी टू आस्क, आई मीन आई नो दैट माय नॉलेज इज एब्सोल्युटली वेग, बट जितना जो मेरे समझ में बहुत टाइम पहले, मतलब मैंने एक बार गीता पढ़ा था, बट ऑब्वियसली यहाँ आने के बाद समझ थोड़ी डिफरेंट हो गई तो उस समय भी जब गीता पढ़ा था तो उसमें भी कुल तारने की बात ये सब बातें लिखी हुई थी, तो फिर इट्स लाइक किसी भी शब्द का इशारा किधर को है ये समझने के लिए आपको ध्यान की उसी अवस्था में होना पड़ेगा जिस अवस्था से वो शब्द निकला है। ये एक मूल सूत्र है, इसको समझ लीजिए। शब्द तो शब्द होता है, पर उस शब्द का इशारा किधर को है ये जानना है तो उसको ध्यान की ठीक उसी हालत से सुनिए जिस हालत से वो शब्द उच्चारित हुआ है, अन्यथा वो शब्द किधर को इशारा कर रहा आप कभी नहीं जान पाएंगे। ध्यान साधिए फिर सब स्पष्ट हो जाएगा, फिर गीता खुलेगी आपके लिए। अच्छा, एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग गीता कि उसको समझा जाए और उस पर लाल कपड़ा वपड़ा ये सब नहीं, मतलब एक किताब की तरह जिसको समझना है और उसका सब्स्टिट्यूट ये हो जाता है कि लोगों के नाम कृष्ण, नाम गीता और एसी वेसी लगा दिए कृष्ण के लिए, जींस वींस पहना दी और पूरा, मतलब वो सब्स्टिट्यूट है कि कोई समझना ना पड़े। अगर कोई गीता वाले कमरे में एयर कंडीशनर फिट कराता है तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि आदमी गीता का दुश्मन ही है। जिसने गीता को नहीं समझा वो गीता के विपरीत ही चलेगा। दो ही तरह के लोग हैं दुनिया में, एक जो गीता को समझते हैं, दूसरे जो नहीं समझते, इसके अलावा कोई तीसरा वर्ग नहीं है, यही दो हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो ही तरह के लोग हैं दुनिया में, एक जो सत्य के समीप हैं और एक जो सत्य से दूर हैं। उसी को मैं कह रहा हूँ कि एक जो गीता समझते हैं, दूसरे जो नहीं समझते। सत्य कहो गीता कहो एक ही बात। तो जो नहीं समझता वो बहुत दूर है, और जो दूर है वो गीता को दुश्मन की तरह ही देखेगा। दोस्त की तरह देखता तो पास ना होता। जो कृष्ण को खीर चटा रहा है उसके सामने यदि गीता खुल के आ गई तो हक्का बक्का रह जाएगा। भागेगा, कृष्ण की मूर्ति छूट जाएगी हाथों से। ये तो वो अपनी कामनाओं को नंदलाला बना करके खेल रहा है उनके साथ। जिस क्षण कृष्ण खुल के सामने आए, अरे कहां के कृष्ण, हालत खराब हो जाएगी। ऐसा झटका लगेगा अहंकार को, अपने पूरे होने को, कि लगेगा जान गई, भागो, कौन सी आफत है कृष्ण। अधिकांश लोग जो अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं, अगर वो वास्तव में कृष्ण को जान जाए तो झेल नहीं पाएंगे कृष्ण को, और अपने आप को 100 गालियां देंगे कि ये मैं कहां फंसा हुआ था, ये आदमी तो बड़ा खतरनाक है।
मैं इसकी पूजा कर रहा था। कृष्ण तब तक ठीक है जब तक वो लड्डू गोपाल हैं, तब तक ठीक है, तब तक ठीक है जब तक जन्माष्टमी पे खीर चटानी है। पर आत्मा रूपी कृष्ण, वास्तविक कृष्ण, सत्य रूपी कृष्ण यदि सम्मुख खड़े हो तो हम जल जाएंगे, उनका तेज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।